पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आज भाकपा माले ने स्थानीय झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। यहां कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, पप्पू खान सहित कई कार्यकर्ताओं ने की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महंगाई बढ़ाकर मोदी सरकार ने इस देश के लोगों के लिए अब तक के सबसे बुरे दिन ला दिए हैं। सरकार तत्काल महंगाई रोकने का काम करे, किसी भी कीमत पर पेट्रोल डीजल रसोई गैस जैसे जरूरी चीजों का दाम बेलगाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने महंगाई के खिलाफ आम जनता को सड़क पर उतरने का भी आह्वान किया है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार असलियत पर आ गई है और इस सरकार ने तेल कंपनियों को जो छूट दिया है और वो तेल कंपनियां अभी हर दिन पेट्रोल डीजल से लेकर के और तमाम चीजों की महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है। आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हर दिन इस चीज का विरोध हो रहा है। देश की जनता नहीं चाहती कि महंगाई, देश की जनता नहीं चाहती है कि डीजल पेट्रोल और रसोई गैस का दाम बढ़े, लेकिन सरकार चूंकि उसे चुनाव जीतने का घमंड है और वो सरकार ये दाम बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन हम मांग करते हैं, तमाम लोगों की ओर से मांग करते हैं, हर उस व्यक्ति की ओर से मांग करते हैं जो इस महंगाई का विरोध कर रहे हैं और महंगाई से उसका जीना दुभर हो गया है। लोगों का कमाई निश्चित नहीं है, लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन हर रोज महंगाई बढ़ रही है और खास करके डीजल पेट्रोल की महंगाई ने उनका जीना दुभर कर दिया है। अगर मोदी सरकार ने ये मूल्य वृद्धि वापस लेने का कानून नहीं बनाया, अगर मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल को कंपनियों के हवाले जो करके रखे हैं कि उनको पूरा मनमाना छूट है दाम बढ़ाने का, अगर उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया तो आने वाले दिन इस सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। हम मांग करते हैं कि ये तमाम जो डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम बढ़ा है उसको वापस लिया जाए, इसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। धन्यवाद। लगातार देश में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है और महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पूरे केंद्र सरकार जो है जानबूझकर गरीबों पर एक तरह से बोझ डालती चली जा रही है। और इसका जो प्रोपेगेंडा था कि सबसे पहले चुनाव जीतना है, रोज 80 पैसे करके बढ़ाना है और तमाम लोग जो है जनता त्रस्त है, हर एक क्षेत्र में त्रस्त है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो निजीकरण का मामला हो, हर जगह त्रस्त है। आम जनता से अपील है कि वो खुलकर सामने आए, सड़क पर आवे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनको भी चाहिए कि जो विरोध करना है तो एकदम जमकर किए विरोध, और उनके जो लोग आवे उनके सामने पुतला जलाइए, तब उनको लगेगा एक तमाचा है, तभी उसमें सुधार होगा, अन्यथा वो इसी प्रकार से बेलगाम काम करते रहेंगे।